हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स। दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइम टेबल जो पोस्टपोन होने वाला था वो हो गया है, एक महीने का एक्सटेंशन आ गया है। बट अब आगे क्या, आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, ये सिचुएशन को किस तरह से टेकल करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स में सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स रहने वाला है वो है यहाँ पर राउंड नंबर टू। बट मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी रेडी करके रखा था राउंड नंबर टू के लिए। सो आई होप कि राउंड नंबर टू की लिस्ट तो अब सभी के पास रेडी हो ही गई होगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर टू भले ही पोस्टपोन हुआ है बट वो होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि राउंड नंबर टू पोस्टपोन हुआ है और उसको कैंसिल ही कर दिया गया है, नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें कोई भी बाकी सारे चेंजेस नहीं है, पहले जिस तरह से होने वाला था उसी तरह से अब भी राउंड नंबर टू होगा ही होगा। तो यहाँ पर प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा आपका राउंड नंबर टू। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूँगा, स्टार्ट एनालाइजिंग योर स्टडीज, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट्स है। ठीक है, सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल किस में है, असाइनमेंट किस में आएंगे, वाइवा किस में आएंगे, थियरी एग्जाम किस में आएगी, ये सब कुछ आप अभी से यहाँ पर अपने आप से रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक महीना कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, अभी दो दिन पहले ही बात है कि यहाँ पर एग्जाम को पोस्टपोन किए, एग्जाम मतलब एडमिशन को पोस्टपोन किए, दो दिन भी हो भी गए, इसी तरह से यहाँ पर पता नहीं कब टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर यही रहेगी कि आप जो है आपके पढ़ाई के बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो कि कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स में यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होंगे, मैथ्स वन में कौन कौन से चैप्टर्स है, उसमें से कितने आपने ट्वेल्थ साइंस में किए थे। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करो कि क्या है इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर, क्या होता है, कितने मार्क्स के पेपर आएंगे, मिड टर्म कब आएगी, मिड टर्म में कितने मार्क्स के पेपर आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल कब होगा, असाइनमेंट, वाइवा, ये सब कुछ कब होने वाला है, और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स कब आती है, ये सब कुछ आप सिर्फ रेडी तो रहो कि क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस पूरी चलती है, इंजीनियरिंग में किस तरह से सब कुछ वर्क होता है, ये यहाँ पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर आपका एक सिंपल सा सवाल होगा कि सर बात तो सही है कि हम स्टार्ट तो कर दें बट कैसे, तो इसके ऊपर आपको गूगलिंग करना होगा, यानी कि सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जो गूगल के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ ऐसा सर्च करोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट GTU, तो वो GTU की वेबसाइट पर ही आपको लेके जाएगा और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन होंगे। ठीक है, अब उसमें तो 20-25 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पर कोर्सेज में जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू डू सम गूगलिंग। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्टेप है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करेगा और इसकी मदद से होगा क्या कि राउंड नंबर टू के बाद जैसे ही आप जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होगा, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही थोड़ा सा तो यहाँ पर देख लिया था, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।